दोस्तों लैके हाजिर हां नवां वीडियो ते दोस्तों अज आपां गलबात करांगे बदलदे मौसम वायरस दे इफेक्ट ते वायरस दे किसी भी वायरस दे इफेक्ट तो असीं अपनी बॉडी नूं किवें बचा सकदे आ साडी इम्यूनिटी नूं किवें वधा सकदे आ इहदे बारे आपां गलबात करांगे। दोस्तों बदलदे मौसम दे विच ड्राईनेस बॉडी दे जिवें हुण सर्दी दा मौसम जिहड़ा हैगा शुरू हो चुक्या है सर्दी दे मौसम विच साडी बॉडी दे विच ड्राईनेस ज़्यादा आउणी शुरू हुंदी है जिहदे करके हैगा ड्राईनेस होण दे कारण गला खराब होना जहाँ ये स्किन के उत्ते ड्राईनेस आनी इस तरह दॉब्लम सूँ आ जाए पर गला खराब होने के खंघ ज नज़ला इस तरह दॉब्लम्स भी नाल शुरू हो जाए। सो ड्राईनेस तो भी सूँ अपनी बॉडी में बचा ये वास्ते भी आप गलबात करा और किसी भी तरह के वायरस जो भी मौसम के वैदर के चेंज आता तो किसी भी तरह का वायरस बहुत जल्दी साड़ी बॉडी में जो टच कर देता है। जिन्हां लोगों की इम्यूनिटी बहुत वधिया हुंदी है दोस्तों उन्होंने इस तरह के वायरस बहुत घट अफेक्ट करते हैं तो इम्यूनिटी स्ट्रोंग असीं किवें रख सकते हैं उहदे बारे आपां अज डिटेल दे विच गलबात करांगे। दोस्तों पहलां आपां गल करांगे कि जेकर जदों वैदर चेंज हुंदा मौसम दे विच चेंज हुंदा तो जिहड़ी ड्राईनेस बॉडी दे विच आउंदी आ उहनूं असीं किवें रिकवर कर सकते हैं जां उहदे बारे किवें ख्याल रख सकते हैं। जिवें दोस्तों सरों दा तेल देसी घिओ हल्का फुल्का जिहड़ा हैगा उह सानूं जिहड़ा हैगा नक दे राहीं लाउणा चाहीदा जां हल्का फुल्का जिहड़ा हैगा घिओ थोड़ा थोड़ा जिहड़ा खांदे रहिणा चाहीदा नाल नाल ज़्यादा अजकल घिओ जिहड़ा डाइजेस्ट भी नहीं हुंदा लोकां दे सो जिन्ना क तुसीं खा सकदे आ हल्का थोड़ा थोड़ा वह घिओ खांदे भी रहिणा चाहीदा सरों दा तेल वगैरह नक दे विच लाउंदा भी रहिणा चाहीदा क्रीम बॉडी दे उत्ते वगैरह क्रीम वगैरह भी तुसीं नॉर्मल जिहड़ी तुहाडी बॉडी नूं सूट करदी आ यूज़ करदे रहिणा चाहीदा तां कि तुहाडी बॉडी ड्राईनेस तों बची रहे। ये आप गल करा जी मेन टॉपिक जोड़ा अपना है जी वायरस वायरस किसी भी तरह के वायरस जो साड़ी बॉडी के अटैक करते रहते समय समय से जो भी वैदर के चेंज आता ज वैसे भी जोड़ा है अचक जगा लोगों बीमारियां बढ़ रही वायरस वगैरह ज़्यादा जल्दी जगा वो जगा कैच कर रहे हैं बॉडी। सो वो बारे आप गलबात करा दोस्तों वे दो तीन चीज़ा जी है जिमें कि थोड़ी बॉडी के एंटीवायरस तुहाडी बॉडी जिहड़ी हैगी होना बहुत जरूरी है। एंटीवायरस बॉडी किवें हो सकती है एंटीवायरस वास्ते जिहड़ा हैगा साडी बॉडी इम्यूनिटी साडी स्ट्रोंग होनी चाहीदी है इम्यूनिटी नूं स्ट्रोंग करन वास्ते जिहड़ा हैगा डाइट प्लस जिहड़ा तुहाडा वर्कआउट होना जरूरी है। इह नहीं हैगा कल्ली डाइट तुसीं वधिया लै रहे हो पर तुहाडा वर्कआउट कोई भी नहीं हैगा तां फिर भी तुहाडी इम्यूनिटी स्ट्रोंग नहीं होगी इस करके डाइट प्लस वर्कआउट दोनों चीज़ों का पैरलल कंबीनेशन होना चाहिए तां कि तुसीं अपनी बॉडी नूं जिहड़ा हैगा रोगों के नाल लड़न की शक्ति उहदी वध सकती है। बच्चे तो लैके वड्डे तक सारे की इम्यूनिटी यही नहीं है कि वड्डे की इम्यूनिटी बड़ी डाउन हो सक होगी ज बच्चे की ज़्यादा होगी सारे की इम्यूनिटी जी डिपेंड करती है तुहाडी डाइट प्लस तुहाडे वर्कआउट पर ठीक है जी। ठीक है ओल्ड एज के ज़्यादा इस चीज़ की जो इम्यूनिटी थोड़ा इफेक्ट आ जाता है पर नॉर्मल एज रेंज के जे तुसीं वधिया वर्कआउट रखते हैं वधिया डाइट रखते हैं भावें खेत का काम है घर के काम है प्लस जोड़ा है तो डाइट जी रेगूलर डाइट हैगी बहुत वधिया तो तुम जो वायरस तो वधिया नॉर्मली बच सकते हैं। कुछ लोग ये कहें है भी चलो कल डाइट आप वधिया रख ली हैगी पर सू वर्कआउट की लोड़ नहीं हैगी तो यदा जरा नहीं आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग कर सकते सो वर्कआउट प्लस डाइट दोनों चीज़ा बराबर होनी चाहिए जिन्ना तुसी डाइट पर जोर दिने उन्ना ही तुहाडा जिहड़ा हैगा वर्कआउट भी प्रॉपर जिहड़ा होना चाहिए सो दोनों चीज़ों का कंबीनेशन हैगा जी। जिन्ना टाइम तुसी वर्कआउट ज़्यादा करोगे उन्नी इम्यूनिटी तुहाडी हार्ड हुंदी रहिंदी है और जदों भी कदे वैदर चेंज हुंदा यह नहीं हैगा किसी ते भी जिहड़ा सीजनल वायरस जिहड़े अफेक्ट कर सकदे है पर वह जल्दी रिकवर हो जाते हैं तुहाडी बॉडी उन्हां नूं जल्दी बाहर कर दिंदी है जे तुहाडी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग है ठीक है जी। इस करके अपनी बॉडी में रोगों के लड़ लड़न की शक्ति बनाओ बच्चों इस पास जरूर लाओ क्योंकि बच्चों तो ये चीज़ा जड़िया है बदनिया शुरू होंगे जेकर बच्चा हार्ड इम्यूनिटी से आ जाएगा तो फिर उन्होंने भी जोड़ा है रोगों लड़न की शक्ति और एज वधिया होगी लाइफ वधिया होगी सो इस पास जरूर ध्यान देना जी सारे ने वर्कआउट प्लस डाइट जी है रेगूलर करनी है अपनी कोशिश करनी है दो घंटे तीन घंटे चार घंटे जोड़े है हफ्ते दे विच जे मिनीम जिहड़ा हैगा जे आपां 7 डेज़ दे विचों 4-5 डेज़ 3 डेज़ जिहड़ा हैगा वर्कआउट जरूर करिए किसी भी तरह का वर्कआउट जिहड़ा हैगा तुसीं अपना मसल ट्रेन करो अपने जां फिर साइकलिंग रनिंग जो भी जिहड़ा वर्कआउट करदे आ उहनूं रैगूलर रखो
ਇਸ ਪਾਸੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ, ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਚੂਗੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਡਾਇਟ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ।